दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाते हैं दही भल्ले। दही बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं जो दही भल्ले बनाती हूँ आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए आज हम बनाते हैं दही भल्ले, साथ में आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले के लिए मैंने इक्वल मात्रा में मूंग दाल एंड उड़द दाल का प्रयोग कर रही हूँ। इन दालों को मैंने करीबन 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी ये भीगने के बाद ऐसी बन गई है, तो अभी हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। दोस्तों, इस दाल को मैंने फिल्टर कर लिया है, पूरा इसका जो पानी था वो निकाल दिया है। अगर नीड होगी तो इसको हम ले लेंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने 1 पिंच के करीब मेथी दाना डालना है, क्योंकि मेथी दाने से इसका टेस्ट और बढ़ता है और ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कई होते हैं जिनको जो दही भल्ले होते हैं जल्दी से हजम नहीं होते, तो ये हजम करने में कोई दिक्कत नहीं आती इसको। ये देखिए दोस्तों, इसका पानी जो है पूरा निकल गया है। थोड़ा बहुत रह भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वैसे भी इसको मिक्सी में घुमाते वक्त पानी और चाहिए ही। इस पानी का हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। तो मिक्सर जार में डालने के लिए मैंने इसमें ली है हरी धनिया, फ्रेश फ्रेश हरी धनिया है एंड फ्रेश फ्रेश पुदीने की पत्तियां और 2 हरी मिर्च, ताकि इसका भी जो टेस्ट है थोड़ा रहे, अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। अगर हमने दही में नहीं भी डालने, ऐसे रूखे भी खा लिए तो भी अच्छे लगते। 1/2 स्पून के करीब साल्ट, क्योंकि हमने दही में भी साल्ट डालना है तो ज़्यादा नहीं है, हो जाए हमारा साल्ट। 1 छोटी डली जो है, मैंने रॉक साल्ट जिसको काला नमक भी बोलते हैं, वो डाल रही हूँ। इसका टेस्ट इससे और अच्छा हो जाएगा। साथ ही मैं इसके थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ही, 1 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग डाली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया दही भल्ले के लिए। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखते हैं और इसकी थोड़ी चटनी बनाते हैं, पुदीने और धनिया की चटनी बनाते हैं, थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। पुदीने और धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा धनिया लिया है। इसको मैं काटा नहीं, मैंने ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में सरा तो एक बार घूमने के बाद फाइन पेस्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जीरा जो मैंने भिगो रखा था पहले से, इसका टेस्ट अलग से बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा साल्ट, कि साल्ट हमारा उसमें मिक्स भी होना है, तो साल्ट का हमें बड़े ध्यान से यूज़ करना है कि ये ना हो कि हमारे दही भल्लों में साल्ट ही ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, हमारी चटनी बनके रेडी है, अभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पेस्ट उसका, एंड ये भी हमारा पानी वेस्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी मेरे पेस्ट में यूज़ हुआ था, सारा तो मैंने यूज़ नहीं करना था, तो थोड़ा सा मैंने यूज़ किया और बाकी मैंने बचा लिया, तो इसको भी मैंने वेस्ट नहीं करना, संभाल के रख देना। हमारा पेस्ट है जो अभी रेडी किया था आपके सामने, एंड ये हमारी पुदीने धनिया की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, हम इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जब तक हमारा ये ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसको फेंटते हैं अच्छे से, क्योंकि जो इसकी दही भल्ले की एक सीक्रेट है कि इसको जितना फेंटेंगे उतने ही हमारे सॉफ्ट दही भल्ले बनेंगे। तो इसको हमने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे बैटर का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और कितना स्मूथ लग रहा है, हाथ में टच करते ही ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन जैसे सॉफ्ट हो गया है पूरा इसका बैटर। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो देखिए, तेल मेरा थोड़ा दोस्तों ज्यादा गर्म था, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है ताकि हमारा दही भल्ले का पेस्ट जो जलेगा हमारे दही भल्ले, इसको कम फ्लेम में ही करना है, ज्यादा इसका फ्लेम गर्म ना, क्योंकि ये एकदम से पक जाते हैं। कि मेरा गैस बंद भी था तभी देखो कितने अच्छे से पक के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा तेल जो है गर्म, लेकिन गैस के फ्लेम को कम रखूंगी। ये दही वाले हमारे बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं। साइज आपके मर्जी के अकॉर्डिंग है, कितना बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, मैं तो इसको मीडियम साइज का रख रही हूँ, ज्यादा बड़ा साइज नहीं कर रही हूँ। तीन बैच में हमने दही भल्ले बना के रेडी कर दिए और ये इतने के करीब मेरे दही भल्ले बने हैं, लेकिन मैं सबका यूज़ नहीं करूँगी, इसमें से थोड़े का ही यूज़ करूँगी, बाकी मैं अपने कुछ अभी
बच्चे ले लेंगे चाय के स्नैक्स के साथ, ये स्नैक्स की तरह भी यूज हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ये थोड़ा मैंने पानी गर्म करने रखा है दही भल्लों के लिए। आप इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकालेंगे, तभी ये दही भल्ले फटाफट बनने लायक हो जाएंगे। तो मैंने अभी जैसे तो अभी ये हाफ क्रीम मैंने हाफ लीटर के करीब मैंने दही लिया है, तो इसमें मैंने 2 स्पून के करीब मैंने चटनी डाली है जो मैंने आपके सामने बनाई थी, एंड 1/2 स्पून के करीब मैंने इसमें आयोडीन साल्ट लिया है, और ये जीरा और काली मिर्च का मैंने पाउडर बना रखा था जो भून के वो डाला है, एंड इसमें जीरा जो मैंने भिगो रखा था वो वाला ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने एंड पुदीना कट करके रखा था ऊपर से गार्निश के लिए, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, एंड कुछ दाने मैंने, एंड इसमें लास्ट में मैं ऐड करूंगी मेरा वो आपके पास जो खट्टे मीठे वाला सवाल था, खट्टे मीठे का सवाल ये है कि इसमें मैं 2 स्पून के करीब शुगर ऐड करूंगी, पिसा हुआ मैंने चीनी का पाउडर बना रखा था, तो इसको बीच में मिक्स करके इसका पूरा एक बैटर रेडी कर लेंगे। ऐड करेंगे हम इमली का पल्प, थोड़ा सा जरा सा, बस 1/2 स्पून से भी कम, जरा सा। ये देखिए दोस्तों, ये पानी मेरा उबल रहा है इसमें, मैं इसको पानी की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, तो इसमें मैं सारे नहीं डालूंगी, कुछ दही भल्ले डालूंगी, कुछ कुछ मेरे बच्चों को ऐसे ही चाय के साथ पसंद करते हैं खाने के लिए, तो मुझे इतने ही दही भल्ले चाहिए थे इस समय। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको अभी भी खा सकते हैं सारे बना के, या कल के लिए भी छोड़ करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इतने ही बनाने थे तो मैं इतने ही बना के इसमें डिप करके रख रही हूँ। ये देखिए मैंने पानी में डाल दिए, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो सब निकल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, तो दही भले तो खाने का सबका मन है, मूंग दाल वाले तो भले सबको पसंद होते हैं, तो मैंने जब भी बनाए हैं इन दोनों बैटर से मिलके ही बनाए हैं। तो अभी मैं इस पानी को, इसको दही भल्ले को बहुत गर्म है, पानी भी गर्म है और दही भल्ले भी गर्म थे, इसका देखिए एक्स्ट्रा ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ऊपर तैरेगा ये। अब मैं ठंडे पानी में ऐड कर दूंगी, इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी क्योंकि मुझे भी इंस्टेंट बना के रेडी करने हैं। ये देखिए कितना ऊपर पानी के ऊपर ऑयल तैर रहा है, अगर हम इसको ऐसे ही सीधे दही में डाल देते तो इतना सारा ऑयल हमारे अंदर चला जाता जो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी था सारा इसमें से निकल गया, अभी इसमें निकला है, अभी इस पानी में भी हमारा जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा। तो अभी मैं बताती हूँ मुझे कैसे इसको करना है, अभी थोड़ी देर में इसको ठंडे पानी में चलाऊंगी, तो कि मैं हमारे थोड़े दही भले ठंडे भी हो जाएं। तो दोस्तों मैं सारा काम मोस्टली हाथों से करती हूँ, क्योंकि पहले मैं अच्छे से अपने हाथों को धो के फिर अपने किचन में घुसती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सामान बन रहा है तो हमने खुद ही खाना है, जितना हाइजीन का ध्यान रखेंगे उतना ही बेस्ट है हमारे लिए, उतनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये देखिए अभी भी इसमें से गर्म नहीं है, अभी हल्के गुनगुने हैं, जब तक मैं इसको निकालूंगी इसमें से ऑयल इसमें और ज़्यादा निकलेगा, देन सॉफ्टनेस और ज़्यादा इसमें बन जाएगी, और ये इंस्टेंट खाने वाले हैं, ये नहीं है कि हमने दही डाल दिया तो आधा घंटा इसकी वेट करनी पड़ेगी, अभी हम डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, एक एक करके निकालें, नहीं तो वन करके निकालेंगे तो ये फटने का ज़्यादा चांसेस हैं इसके, और ये बहुत सॉफ्ट हैं। देखिए दोस्तों इतना सारा ऑयल इसके अंदर भी निकल आया, कितना एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया इसका, और ये देखिए जो मैंने ये वाले बल्ले बने थे कितने अंदर से सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी वो कच्चापन नहीं है इसमें, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत फ्लफी हैं, क्योंकि मैंने इसके बैटर को बहुत बार बीट किया था अच्छे से, 100 से ज्यादा टाइम मैंने बीट किया था तब जाके बनाया, तो इसमें मैंने बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, बिना बेकिंग सोडे के पकाए हैं, क्योंकि मैंने इसको 6 to 7 hours के करीब मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। दोस्तों ये मैंने इस इतनी बड़ी प्लेट में निकाले हैं क्योंकि हमारा ये दही इसमें ऑब्जर्व होगा, फैलेगा भी, तो ये थोड़ा सा मेरा बैटर बच गया है, इसको मैं बाद में जब जैसे एक साथ तो अभी सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, तो बाद में भी ये दही भले बन गए हमारे रेडी हैं, कुछ मैंने कच्चे रख लिए थे जो मैंने नहीं अभी बैटर में डाले हैं, तो कुछ मैंने दही का पेस्ट मैंने बचा के रख लिया है, और इसको मैं बाद में यूज करूंगी, क्योंकि जब थोड़ी देर के बाद करेंगे तो पूरा दही उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा और फिर सूखे सूखे नहीं अच्छे लगते, तो खाने के लिए अलग से हम डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको हल्का सा गार्निश करूंगी पुदीने की पत्तियों के साथ, क्योंकि हमने अभी खाने हैं, एंड साथ में जो मैंने किशमिश भी धो रखी थी वो वाली ऐड करूंगी। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो ठीक है,
रेड चिली ना डालें क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली का बहुत यूज किया है। 2 चिलीज मैंने दही भल्लों में डाल दी थी एंड 2 चिली मैंने इसमें उसके दही के जो चटनी बनाई थी उसमें डाल दी है। एंड अभी हम हल्का सा ऊपर से हल्का सा ग्रीनिश करने के लिए मैंने जो धनिया पुदीने और मिर्ची की चटनी बना रखी थी उसको स्प्रिंकल कर रही हूँ हल्का सा। दोस्तों देखिए हमारे दही भल्ले बनके रेडी हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए, बहुत हेल्दी है ये। ये इसमें वो नहीं कि उड़द दाल है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसमें जो हींग डाला है, देन इसमें जीरा डाला है, काला नमक डाला है, तो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा है और ये हेल्दी है। ये नहीं है कि हमें डाइजेस्ट नहीं होंगे, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। बनाइए, खाइए, बताइए कि आपको ये टेस्ट इसका कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।